हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। इन टुडेज वीडियो वी विल आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी यूजिंग इंस्टेंटेड एफएनओ फीचर ऑफ एंजल वन। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए चलते हैं एंजल वन की एप्लीकेशन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम एंजल वन एप्लीकेशन के होम पेज में आ चुके हैं। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको इंस्टेंटेड एफएनओ का ऑप्शन शो होगा, इसमें हमको क्लिक करना होगा। यहाँ पे ट्रेडिंग करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आप सेम स्क्रीन में चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं, ऑर्डर लगा सकते हैं, ऑप्शन चेन देख सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं, यहाँ से आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप कैंडल स्टिक चेंज कर सकते हैं, और तो और आप अपना फेवरेट इंडिकेटर को भी आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी पोजीशन का प्रॉफिट एंड लॉस भी आप सेम विंडो में देख सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, किसी भी स्टॉक या शेयर का रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। निफ्टी ने आज लास्ट ट्रेड लिया है 18,716 पे। हमने कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को असाइन कर रखा, जिसमें हमारा पहला सपोर्ट का लेवल है 18,625 का, देन हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल है 18,488 का, देन हमारा तीसरा सपोर्ट का लेवल है 18,319 का। साथ ही साथ हमारा पहला रेजिस्टेंस है यहाँ पे 18,738 का, देन हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है 18,823 का, देन हमारा तीसरा रेजिस्टेंस है 18,961 का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी के मार्केट में गैप अप ओपनिंग के बाद एक अच्छा खासा हमें अप ट्रेंड बनता हुआ निफ्टी के मार्केट में दिख रहा है, और साथ ही साथ हमें 18,716 के लेवल में एक अच्छा खासा प्रेशर बनता हुआ निफ्टी के मार्केट में दिख रहा है। साथ ही साथ हमें 18,675 के लेवल से एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला है। जस्ट इन केस अगर कल के डेट में गैप अप ओपनिंग होती है, देन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल हो जाएगा 18,738 का, और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके और ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाता है, देन हमारे लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का हो जाएगा 18,823 का, और इसके साथ हमें निफ्टी के मार्केट में बुलिश ट्रेंड बनता हुआ दिख सकता है। और अगर मार्केट में कल के डेट में गैप डाउन ओपनिंग होती है, देन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल हो जाएगा 18,625 का, और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके और नीचे की तरफ सस्टेन कर जाता है, देन हमारे लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट का हो जाएगा 18,488 का, और इसके साथ हमें निफ्टी के मार्केट में बेयरिश ट्रेंड बनता हुआ दिख सकता है। बात करें अगर एमएसईडी इंडिकेटर की, तो एमएसईडी इंडिकेटर में क्रॉसओवर के बाद पिक्टोग्राफ में रेड कैंडल फॉर्म होती हुई दिख रही है, जो कि आगे चलकर संभावना हमें निफ्टी के मार्केट में डाउनवर्ड डायरेक्शन की मूवमेंट हमें दिखा सकती है। ये तो बात हो गई निफ्टी की, चलिए अब हम बैंक निफ्टी का चेकआउट कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए बैंक निफ्टी में क्लिक करूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट लग चुका है। बैंक निफ्टी ने आज लास्ट ट्रेड लिया है 44,079 पे। हमने कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को असाइन कर रखा है, जिसमें हमारा पहला सपोर्ट का लेवल है 43,870 का, देन हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल है 43,574 का, देन हमारा तीसरा सपोर्ट का लेवल है 43,241 का। साथ ही साथ हमारा पहला रेजिस्टेंस है यहाँ पे 44,239 का, देन हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है 44,588 का, देन हमारा तीसरा रेजिस्टेंस है 44,932 का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग के बाद हमारे पहले सपोर्ट के लेवल जो कि है 43,870 एंड हमारे पहले रेजिस्टेंस के लेवल जो कि है 44,239 के बीच में ही कंसोलिडेट किया है। जस्ट इन केस अगर कल के डेट में मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है, देन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल हो जाएगा 44,239 का, और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर और ऊपर की तरफ अगर मूवमेंट दिखाता है, देन हमारे लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का हो जाएगा 44,588 का, और इसके साथ हमें बैंक निफ्टी मार्केट में बुलिश ट्रेंड बनता हुआ दिख सकता है। और अगर मार्केट में कल के डेट में गैप डाउन ओपनिंग होती है, देन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल हो जाएगा 43,870 का, और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके और नीचे की तरफ सस्टेन कर जाता है, देन हमारे लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट का हो जाएगा 43,574 का, और इसके साथ हमें बैंक निफ्टी मार्केट में बेयरिश ट्रेंड बनता हुआ दिख सकता है। किसी भी स्टॉक या शेयर को बाय करने से पहले उसका कंप्लीट एनालिसिस जरूर कर ले। अगर आपको लग रहा है ट्रेंड बुलिश जा सकता है, देन आप बाय कॉल करें। इन केस अगर आपको लग रहा है ट्रेंड बेयरिश रह सकता है, देन आप बाय पुट करें। बाय कॉल करने के लिए बाय कॉल के बटन पे क्लिक करूंगा, देन यहां से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करूंगा। देन यहां आपको एंटर लॉट टाइप करना होगा, जितना भी लॉट आपको लेना वो आप टाइप करेंगे। मुझे दो लॉट लेना, मैं दो टाइप करूंगा। उसके नीचे आपको लिमिट ऑर्डर एंड मार्केट ऑर्डर का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। जिस भी ऑर्डर में आपको लेना उसमें आप टॉगल को रख के आगे प्रोसीड करेंगे। मुझे लिमिट में लेना, मैं लिमिट में रख के आगे प्रोसीड करूंगा। नीचे आपको बाय का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, बाय करने के लिए बाय पे क्लिक करूंगा। देन यहां कंफर्म बाय, कंफर्म में आप जैसे क्लिक करेंगे आपका ऑर्डर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से अभी जाके आप एंजल वन के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं।